नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपको सिखाने जाएंगे फोटोशॉप। फोटोशॉप बहुत यूजेबल सॉफ्टवेयर है जो आप हम आपको सिखाएंगे। और इंस्टॉल करने के बाद मेरा अगले वीडियो आपने देखा होगा जिसमें फोटोशॉप को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, तो आपने अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप डाल दिया होगा। तो आज हम शुरू करने जाएंगे फोटोशॉप कैसे चलाना है। हम फोटोशॉप को खोलेंगे। फोटोशॉप की थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूँ। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कोई भी फोटोग्राफ को हम कटिंग कर सकते हैं, जैसे अपनी ज़रूरत पड़ती है बहुत टाइम, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना, कंप्यूटर में से मोबाइल में से फ़ोटो लेके इसको कंप्यूटर में डाल के उसको पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आज के युग में बहुत फोटोशॉप का बहुत यूज़ है। अभी अभी कोई छोटा फ़ोटो उसे बड़ा करना हो, हमारे घर में लगाना हो, बहुत सारे फ़ोटोशॉप का बहुत सारे यूज़ होता है। आज नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट फोटोशॉप का जो कोर्स कंप्लीट कर देता है तो उसे अच्छी जॉब मिल जाती है इस फील्ड में। कोई भी जगह स्टूडियो में जॉब मिल जाती है, घर पे अपने कंप्यूटर ला के काम कर सकता है, किसी की भी फ़ोटो कटिंग करके, फ़ोटो एडिटिंग करके उसको पैसा कमा सकता है। हमारा एक ही विजन है उड़ान मोटिवेशनल एकेडमी का, कि आप हमारा कोर्स करिए, सीखिए और कमाइए। पूरा सिस्टम हम आपको बताएंगे किस तरह से फोटोशॉप में पैसा कमाते हैं, किस तरह से इसको बाज़ार में, किस तरह से इसका इनकम जनरेट होता है, आपको पूरे सिस्टम बताएंगे। हमारे सभी वीडियो देखिए और लास्ट तक हमारे जो आपको हमारी चैनल पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम आपको उसका आंसर देंगे। तो आज हम फोटोशॉप में पहला सीखेंगे फाइल फ़ोटो को कैसे कटिंग करना, उसे किस तरह से ऐसा कटिंग करना जिससे अपने को ऐसा नेचुरल फ़ोटो लगे, वो कटिंग का ऑप्शन नहीं लगे। हम एक फ़ोटो ला देंगे पहले। हमें एक डेस्कटॉप पर एक फ़ोटो रखा हुआ है, तो एक फ़ोटो हमने ला दिया। इस फ़ोटो को हम कटिंग करेंगे किस तरह से, तो हमें कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो फ़ोटो बड़ा होगा और कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो छोटा होगा। पहले देख लो, कंट्रोल प्लस के साथ फ़ोटो बड़ा होगा और कंट्रोल माइनस के साथ फ़ोटो छोटा होगा। अब हम पहला ये मेनू ले लेंगे कटिंग के लिए। इसमें से तीन मेन ऑप्शन आएंगे, पॉली लाइन, लॉस एंड टूल्स आपको दिखेगा, वो अपने सेलेक्ट कर लेना है पॉली लाइन का। अब हमने टैब की दबाना है। टैब की से हमारे सारे टूल्स चले जाएंगे। अब किस तरह से पूरा काम करना है, अब हमें स्पेस किस दबाना है, स्पेस किस दबाएंगे तो ऐसा हाथ आपका मूवमेंट आ जाएगा और वहाँ से हमें कटिंग चालू करना है। यहाँ से कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने को जो भी हो क्लिक करते रहना है, जैसे क्लिक करेगा वो आगे कटता जाएगा। हमें जैसे अपने दिखता है वही इस तरह से कटिंग करना है। पहले आपको फोटोशॉप में अपना कटिंग और कंट्रोल प्लस करोगे तो जूम होगा, कैसे जूम करना है, किस तरह से लेना है, सपोज़ अपने को कुछ मालूम नहीं पड़ता। और यहाँ से स्पेस दबानी है, वहाँ से हाथ आ जाएगा आपके, वहाँ हाथ जैसे आ जाएगा आप वहाँ से कटिंग कर सकते हो। अगर कोई रॉन्ग हो जाता है तो हमें डिलीट दबाना है। डिलीट दबाएंगे तो वो रॉन्ग चला जाएगा, वापस वही लाइन पे आ जाएगा। अभी बाल कटिंग का जैसा ऑप्शन होता है, जैसे थोड़ा कटिंग आपको मूवमेंट से कर लेना है कि सारे बाल नहीं लेने तो कुछ दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से बाल को हम कटिंग कर देंगे। आप एक बार दो प्रैक्टिस कीजिए, कैसे करेंगे वो सब देखेंगे तो आपकी पूरी सिस्टम मालूम पड़ जाएगी। जैसे ऊपर जाना हो हमें पेस्ट दबाना है, पेस्ट दबाना है, थोड़ा अंदर से कटिंग लेने का, इसने उसका कटिंग ऐसा स्मूथ आएगा जिसे किसे मालूम नहीं पड़ेगा कि फ़ोटो को आपका कटिंग किया होता है। तो हम फोटो को कटिंग करेंगे। सपोज ये मैंने एक ऐसे फ़ोटो ले लिया है, आपको दिखाऊंगा। अगर जो ऐसा कोई बीच में आता है कटिंग, तो उसको कैसे कटिंग को अच्छा करना वो भी देख लेंगे हम। पहले आज हम कटिंग का पूरा सिस्टम देखेंगे और उसके फ़ोटो को किस तरह से एडिटिंग करना है पूरा आज मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करना, तो ये आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से कटिंग होता है। हम आपको सारी कीज़ बता देंगे किस तरह से फ़ोटो का कटिंग होता है।
और इस तरह से एक फोटो को हम मिनिमम कट कर लेंगे। दोस्तों आप जानते होंगे आज एक पासपोर्ट साइज़ को फ़ोटो करवाने जाते हैं तो 50 से 60 रुपये ले लेते हैं। अब हमने ये फ़ोटो बना दिया, हम उनको कंट्रोल माइनस से छोटा करेंगे, थोड़ा प्लस करेंगे। अब यहाँ हमारे थोड़े ऐसा आ गया है तो हम यहाँ से इसका ये टूल लेंगे। ये टूल लेने के साथ हम यहाँ छोटा छोटा कर देंगे, 21 पॉइंट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा रिजोल्यूशन कम कर लेंगे यहाँ से, तो हमारा जो फोटो का यहाँ ऑल्टर की पेस करेंगे तो उसके साथ जोड़े बाल नहीं दिख रहे थे वो थोड़ा सही हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो कलर होगा अपने जहाँ क्लिक करके रखा होगा वो कलर अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ पे अपने थोड़ा कलर का मूवमेंट दिखता है तो अल्टर दबाने का, कलर सिलेक्ट करने का, फिर यहाँ से थोड़ा कर देने का। ये थोड़ा फोटोशॉप हो गया। अब उसके अंदर हमें एंटर करना है और वहाँ फेदर लगानी है, तो फेदर हम वापस वहाँ चले जाएंगे और उस पर हम फेदर लगाएंगे, फेदर 2 पॉइंट लगाएंगे, उस पर बस एंटर मार देंगे। यहाँ कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे तो उसका एक फ़ोटोग्राफ अपने को कटिंग करके आ गया है। तो देखो कैसा नेचुरल फ़ोटो था और हमने कट करके कैसा बना लिया, क्योंकि बहुत टाइम ये बाल जैसे होते हैं बहुत टाइम कट करने जाएंगे तो बहुत वो हो जाएगा। अब फोटो में हमें किस तरह से कलर वेरिएशन को थोड़ा सही करना है, कैसे करना है, जैसे इनका बाल है जो यहाँ मुंह पे आ गया है तो इसे हमें निकालना हो तो ब्रश पे जाएंगे और यहाँ से थोड़ा छोटा कर देंगे हमारा ब्रश, यहाँ से ऑल्टर दबाएंगे, उसके बाद थोड़ा कंट्रोल जेड, बहुत ज़्यादा हो गया, इससे हमें थोड़ा रिजोल्यूशन कम रखना है। ऐसे कटिंग करना है कि आपको मालूम ना पड़े कि यहाँ कुछ था। तो आज तो हमने थोड़ा आपको ऐसा सिखाया कि थोड़ा आपको मालूम पड़ जाएगा फोटोशॉप के बारे में। सपोज़ हमने जो किया वो हमें सही नहीं लगा तो यहाँ जाके हिस्ट्री में जाके हम रिवर्ट कर सकते हैं वापस। तो इस तरह से फ़ोटो को पूरा कटिंग करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद इसे हमें किस मोड पे कैसा करना है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आगे नमस्कार। जो अगर आपको पसंद आया होता तो आप लाइक सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को।